अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम गोदर के इलाके में हैं। ये डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई का इलाका है जो कोहाट से तकरीबन 40-45 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है। अगर किसी को आना हो तो कोहाट से आप हंगू की तरफ जब आए तो ये रास्ते में कच्चा पक्का एक चौक है, वहाँ से आपको टर्न होना पड़ेगा। मरई के इलाके में जेड़े की तरफ ये टर्न होके आपको यहाँ ये आगे एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर ये इलाका है गुदर। मस्त मिरकासिम एक ज्यारत है, उससे आगे बहुत ही खूबसूरत और पुरफिजा मकाम है। अब जुलाई का महीना है लेकिन यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार, बहुत खूबसूरत मौसम है। यहाँ पर पानी ये ऊपर से और अगजई की तरफ से जो आ रहा है बहुत ठंडा पानी है। और ये लोकेशन, ये आप लोगों ने सीनरी वगैरह देख रहे होंगे। मेरे साथ यहाँ और दोस्त भी हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बार कोहाट के जुमला वकला जो है, तकरीबन ये 40-45 वकला आज हम आए हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम जेड़े के इलाके मस्त मीर कासिम से आगे गोदरों में हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और पुरफिजा मकाम है, हसीन नज़ारे हैं, कुदरत के हसीन नज़ारे, ऐसे नज़ारे जो हम अक्सर देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की, हम न्यूज़ीलैंड की और ये इधर उधर के इलाकों की हम बात करते हैं कि यार ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन नहीं, मैं ये सजेस्ट करता हूँ अपने पाकिस्तान भाइयों को कि यार आप लोग यहाँ पे आएँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई में आएँ। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर अमन लोग हैं, यहाँ के लोग इज़्ज़तमंद लोग हैं, आपकी जो है ना इज़्ज़त अफजाई भी होगी और आप इन कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। ये ठंडा इलाका है, ये ठंडा इलाका है। जैसे आप मरी में जाएँ, गिलगित जाएँ, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है आपको। ये कलाम नहीं है, स्वाद नहीं है, नारान नहीं है, कागान नहीं है, मरी नहीं है, ये कोहाट के ज़िले के साथ ही मुतसिल सिर्फ 55 से 1 घंटे की ड्राइव पे जेड़ा का इलाका है जो आगे तिरा और अगजी बेल्ट के साथ मिलता है। इसकी खूबसूरती, इसकी नेचुरल ब्यूटी को अगर आप देखें तो इंशाल्लाह हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, पहली बार मैं इस इलाके में आऊँ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन यहाँ आके इस तरह लगा है कि ये एक यूनिक जगह है जहाँ आपको ठंडे मौसम के साथ सब्ज़ा, पहाड़, ठंडा पानी और एक डिफरेंट माहौल मिलता है जहाँ आप अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे दोस्तों की बातें सुन ली होगी, बहुत ही खूबसूरत इलाका है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो पहले इंप्रेशन था तालिबानाइजेशन के बाद लोग डरे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई मसला नहीं है। लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत ही मुखलिस किस्म के लोग हैं और जो आपको वेलकम करते हैं। आप यहाँ पर आ जाए, इंशाल्लाह आप खूब इंजॉय करेंगे।